सवाल नंबर एक, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? सवाल नंबर दो, नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है? सवाल नंबर तीन, प्यार स्कोर मोहब्बत में क्या अंतर है? सवाल नंबर चार, हैसियत और औकात में क्या अंतर है? सवाल नंबर पाँच, जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? सवाल नंबर छह, पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन में क्या अंतर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से। सवाल नंबर एक, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग उन स्थानों पर होता है जहां पर किसी कार्य को शुरू करते हैं, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन दोनों को अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, जिसके विषय में हम इस सवाल के जवाब में आपको बताने जा रहे हैं। नंबर एक, आरम्भ शब्द का अर्थ किसी कार्य को पहली बार शुरू करना होता है, जबकि प्रारंभ शब्द का अर्थ किसी कार्य को पुनः शुरू करना होता है। नंबर दो, आरम्भ को अंग्रेजी में स्टार्ट और प्रारंभ को अंग्रेजी में रिस्टार्ट कहा जाता है। नंबर तीन, पुनरारंभ के स्थान पर हम प्रारंभ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर चार, प्रारंभ शब्द का प्रयोग वहां भी होता है जहां अधूरा काम दोबारा शुरू करना होता है, जबकि आरंभ शब्द का प्रयोग केवल उन स्थानों पर होता है जहां कार्य प्रथम बार शुरू होता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। सवाल नंबर दो, नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है? दोस्तों, आइए इस सवाल के जवाब में जानने की कोशिश करते हैं कि नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर होता है। नंबर एक, नमस्ते यानी नम का मतलब अभिवादन और ते का मतलब आपका होता है, इसलिए नमस्ते का अर्थ होता है आपका अभिवादन करता हूँ, जबकि नमस्कार का अर्थ अभिवादन स्वीकार करना होता है। नम स्वीकार यानी आपका अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। नंबर दो, आपको बता दें कि नमस्ते का प्रयोग आप माता पिता गुरु या ईश्वर के लिए कर सकते हैं, वहीं होटलों आदि के द्वार पर खड़े दरबान या स्वागत कर्मी नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जबकि नमस्कार का प्रयोग बराबर वाले लोगों के लिए होता है, जैसे मित्र, सहयोगी, साथ काम करने वाले और सभा को संबोधित करते समय नमस्कार करना चाहिए। बहुत से लोगों को एक साथ नमन करना हो जैसे सभा में या माइक पर, तो नमस्ते के स्थान पर नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर तीन, प्यार स्कोर मोहब्बत में क्या अंतर है? दोस्तों, ये वो तीन शब्द हैं जिनकी आज विश्व में बहुत ज्यादा जरूरत है। इन तीनों शब्दों में कोई खास अंतर नहीं है और समानता यह है कि तीनों ही तहे दिल से महसूस किए जाने वाले और दूसरों पर न्योछावर किए जाने वाले शब्द हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं प्यार स्कोर मोहब्बत में क्या अंतर होता है। नंबर एक, प्यार एक बहुत ही प्यारा शब्द है। प्यार किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे वस्तु से प्यार, अदा से प्यार, किताबों से प्यार। प्यार में अक्सर हम चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, समय समय पर प्यार बदलता रहता है, इसलिए प्यार को एक तरफा होने की भी संज्ञा दी जाती है। नंबर दो, इश्क। इश्क एक खुमारी वाला शब्द है जिसमें आदमी काफी ज्यादा भावनात्मक और उत्तेजित हो जाता है। यह अक्सर दो तरफा होता है और परिस्थितियों और समय के बदलाव के चलते इसमें भी परिवर्तन होने लगते हैं। नंबर तीन, मोहब्बत। मोहब्बत काफी नरम और नाजुक शब्द है। मोहब्बत आसानी से नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत कभी बदलती नहीं, जैसे माता पिता की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, पति और पत्नी की मोहब्बत आदि। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक सैनिक और किसान के लिए उसका सारा प्यार देश होता है, इश्क धरती माँ होती है और मोहब्बत वो मिट्टी से करता ही है। सवाल नंबर चार, हैसियत और औकात में क्या अंतर है? दोस्तों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं हैसियत और औकात में क्या अंतर होता है। नंबर एक, दरअसल हैसियत शब्द सकारात्मक है, यह औकात के समान ही भाव प्रकट करता है। तो आइए हैसियत शब्द को उदाहरण के जरिए समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हमारे काम में योगदान देंगे, जबकि औकात शब्द नकारात्मक है, किसी का अपमान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए औकात शब्द को उदाहरण के जरिए समझते हैं। हमारे पास 10 मकान है, हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं। नंबर दो, हैसियत पैसों से बनाई जाती है। जब हम हमारे आर्थिक स्तर की सम्मान पूर्वक बात करते हैं तब हैसियत शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि औकात व्यवहार से बनाई जाती है। जब हम आर्थिक स्तर को नीचा दिखाने की बात करते हैं तब हम औकात शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि हैसियत और औकात में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर पाँच, जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? दोस्तों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट में आखिरकार क्या अंतर होता है। सबसे पहले जानते हैं जज क्या होता है। जज यानी न्यायाधीश, जिसका मतलब होता है निर्णय लेने वाला। यह अदालत की कार्रवाई का पालन करते हैं और उसके तहत मामले के विभिन्न तथ्यों और विवरणों पर विचार करके कानूनी मामलों पर सुनवाई और निर्णय लेते हैं। कानून में एक न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। अब आइए जानते हैं मजिस्ट्रेट क्या होता है। मजिस्ट्रेट एक सिविल अधिकारी होता है जो किसी विशेष क्षेत्र यानी जिला या शहर में कानून की व्यवस्था करता है। यह वह व्यक्ति है जो सिविल या क्रिमिनल मामलों को सुनता है और निर्णय देता है। जिला मजिस्ट्रेट या
यहाँ कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। सवाल नंबर 6, पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन में क्या अंतर है। नंबर 1, पेट्रोल इंजन में लगभग 2% पेट्रोल तथा 98% वायु को ईंधन की तरह काम में लिया जाता है, जबकि डीजल इंजन में डीजल वायु तथा ऊष्मा के मिश्रण को ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पेट्रोल इंजन की दक्षता बहुत कम होती है और इसकी दक्षता का मान लगभग 52% होता है, जबकि डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है और इसकी दक्षता का मान लगभग 64% होता है। नंबर 3, पेट्रोल इंजन में विस्फोट होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि इसमें पेट्रोल और वायु दोनों संपीड़ित रहती है, जबकि डीजल इंजन में विस्फोट का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल वायु ही संपीड़ित अवस्था में रहती है। नंबर 4, पेट्रोल इंजन हल्का सस्ता होता है तथा इसका रखरखाव का खर्चा भी कम रहता है, जबकि डीजल इंजन महंगा और भारी होता है और इसका रखरखाव का खर्चा अधिक होता है। नंबर 5, पेट्रोल इंजन हल्के वाहनों जैसे दुपहिया, जीप इत्यादि में लगा होता है, जबकि डीजल इंजन भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस इत्यादि में लगा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।